तबीयत होगी खराब, सुबह की बीमार है। हाँ नहीं सुबह तो की मैं सुस्त बीमार हुई हूँ, वैसे उधर सही थी। मामू। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज मैं जो है 4 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। 4 दिन बाद इसीलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं जो है ना व्लॉग नहीं बना, थोड़ी सी नहीं कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं थी। तो मेरे बाजू पर हो गई है एलर्जी, पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो गया। तो 3-4 दिन हो गए डॉक्टर के पास जा रहा है, इंजेक्शन लग रहे, मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ, पर यह है कि कोई आराम नहीं आ रहा। तो आज जो है आज का व्लॉग ये है कि मेरी तबीयत ऐसे तो ठीक तो नहीं है, पर फिर भी मैं जो है पहले अभी उठी हूँ, फेस वॉश वगैरह किया, थोड़ा रेडी वेडी हुई हूँ व्लॉग बनाने के लिए। मैंने कहा 4 दिन हो गए हैं कि मैंने वीडियो नहीं डाली, ऐसे जो है ना फिर व्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, व्यूवर्स फिर ऐसे नाराज़ हो जाते हैं। तो आज मैंने कहा बताती भी हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करो कि जो भी मेरे बाजू पे इन्फेक्शन हुआ है वो चला जाए, क्योंकि बाजू पे इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से मेरी एक पूरी साइड में दर्द हो रही है, पेन हो रही है। तो बाकी यह है कि आप सब दुआ करिएगा अगर ठीक हो जाए। और अभी जो है सुबह पापा मेरे सारी सफाई की थी क्योंकि मम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पापा ने बेड वेड झाड़ा, सारे झाड़ू वाड़ू लगाया और काफ़ी कुछ किया। फिर मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मम्मा ने काफ़ी दिनों से मम्मा ही कर रही थी सब कुछ, और मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं सो रही थी और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी कि जो मैं वीडियो बनाती। और ये वाले हाथ में दर्द है, वैसे इस वाले हाथ से कैमरा जो है ना पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वैसे मैं इस हाथ से पकड़ती हूँ। तो बाकी है कि आज की व्लॉग जो है आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना है, और इसके अलावा मेरे लिए ढेर सारी दुआ करनी है। अभी मेरे बाजू में पता पेन हो रही है, पर बाकी ये है कि मम्मा मुझे मना करके गई थी कि कुछ नहीं करना, तो फिर भी यह है कि अभी घर में खाना वाना बनाना है क्योंकि मम्मा और पापा जो है गए हुए हैं किसी के घर पे। आप लोगों ने हमारे व्लॉग में देखा ही होगा शहबाज़ मामू, दूसरे मतलब वो जो मैरिड है जिनके बच्चे भी हैं वो हमारे साथ भी रहते थे दूसरे वाले घर पे, तो उनके बेटे छोटे की डेथ हो गई तो वो वहाँ गए हुए हैं। और मैंने कहा आप लोग को बताते भी हैं और व्लॉग भी बनाते हैं, और मैं खुद भी बोर हो रही थी। मैंने कहा मैंने इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाला तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, खाली खाली लग रहा है। तो बाकी ये है कि अभी सबसे पहले तो मैं उठ गई हूँ, थोड़ा आप लोग को फेस भी लग रहा होगा क्या मेरी तबीयत ख़राब है। आप दुआ करो कि मेरा जो भी इन्फेक्शन हुआ है बाजू पर वो ठीक हो जाए। और दिखाती हूँ बैक करके घर का क्या हो रहा है। लेकर अभी तक सो रही थी, अभी मैंने उठ के चाय वाय पी है, थोड़ा खाना वाना खाया, जो खाना था खाना खाना पड़ा हुआ था वो, क्योंकि नाश्ता बनाया था। रात को मैंने पापा के अपने कपड़े प्रेस किए थे, पापा ने जो है वो तो ड्यूटी पे पहन के जाने थे, और अभी जो वो पहन के गए वो दूसरे वाले बाकी कमरे का ये हाल हो रहा है। यहाँ कपड़े वपड़े प्रेस मम्मा ने किए तो ये ऐसे ही पड़े हैं, मैंने चेंज वेंज किए हैं। तो अभी जो है ना घर की थोड़ी सफाई करते हैं, और इसके अलावा खाने में हम दाल चावल बनाएंगे, उसका भी व्लॉग आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग उसको भी जाकर देखिए कि मैं दाल चावल कैसे बनाऊंगी। और बाकी देख लो यार घर का कैसा हाल हो रहा है। वैसे मामा जो है ना काफ़ी काम करके गई थी, सफाई हुई थी, सुबह तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो बाकी है कि अभी थोड़ा करते हैं और साथ साथ दिखाती हूँ। किचन मैंने सुबह साफ़ किया था और उसके बाद नाश्ता बनाया था, तो फिर भी किचन में थोड़े थोड़े बर्तन हो रहे हैं, इतने नहीं हो रहे पर थोड़े हो रहे हैं। पहले हम सफाई करेंगे उसके बाद खाना बनाएंगे। और नानों से मिलो, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है। और शहजाद मामू लोग सुबह 5 बजे आ गए हैं वापस, है ना? ये सो रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो आ रहे हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि सुलेमान को भेजो बाइक लेकर आए, और हमें ना बाई रोड में से ले रोड पे थे वो, तो गाड़ी हमारे अंदर तो एरिया में आती नहीं है, है ना? तो फिर जो है ना सुलेमान गया था लेने, और जब मामू ने मुझे कॉल की थी तब मैं इतनी भूखी सो रही थी, और मैं मामू को कह रही थी कि सुलेमान तो सो रहा है, और मैं अम्मा के पास सो रही थी उनके बेडरूम में, है ना? और सुलेमान ऊपर वाले रूम में सो रहा था उधर अपने इधर अपने घर पे। तो बाकी अम्मा को पूछो अम्मा के क्या हाल है मेरा, बहुत मेरी तो रात में जो है ना साइड की सो नहीं पा रही है, बड़ी डिस्टर्ब हो रही। तकरीबन आज 5 दिन हो गए, 4 हफ्ता हो गया, तो इसीलिए जो है ना बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम कमरे की सफाई करते हैं, बाद में बाहर की करेंगे।
मैंने कमरा तो साफ कर लिया और झाड़ू भी लगा लिया, सारा साफ कर लिया यहाँ से भी, बाकी रह गया सहन और किचन, बाकी रह गया पोछा लगाने वाला, वो लगाते हैं वो नहीं, मैं गंदा लग रहा है। और अम्मा ने यहाँ मिसाला भी सारा बनाया क्योंकि मैं साथ में मैंने दाल रखी है, खाना बना रही हूँ तो पानी गर्म हो गया, जल ही नहीं रही, दाल डाल देते हैं। होगी कमरे की भी होगी, बाहर की भी होगी, और अम्मा ने जो है ना मुझे मिसाला भी बना के दे दिया, और मैंने चारपाई उठा के सेन भी पूरा वॉश कर दिया, और अभी जो है ना साफ लग रहा है, नहीं तो कितना गंदा लग रहा था ना, ना बच्चे ने ना छोटे छोटे, हाँ बस रह गया किचन थोड़ा सा और किचन से पोछा रह गया, तो बाकी ये करते हैं और फिर दिखाती हूँ फाइनली पूरा। ये भी सुखाना है वैसे, ये भी वाइपर लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी तो ये ड्राई हो जाएगा, फिर चारपाई दोबारा रख देंगे क्योंकि शाम में सब बैठते हैं यहाँ पे, तो फिर चारपाई रख देंगे, और अम्मा जो है ना मेरे पास ही है, काम हो गए हैं। और अभी बनाने लगे थे चाय, तो चाय तो बन नहीं रही क्योंकि दाल रखी, तो नानू मामी को कह रही कि आप वहाँ चाय बना लो, और अम्मा ने यहाँ मसाला बना के पहले तो मुझे दिया था और फिर अभी मामी को दिया है, क्योंकि ईशा मामी भी खाना बनाने लगी और मामी को भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो, खाना वाना खाया, बिरयानी, हाँ अभी बिरयानी खाई है, तो मुझे तो चाल मना इसलिए मैंने नहीं खाया है ना, मुझे मामी कह रही थी खा लो, मैंने कहा नहीं, मैंने तो बड़ी भूख लगी, मैंने कुछ लब्बा नहीं मिला, अम्मा को भूख लगी और अम्मा के लिए कुछ भी नहीं अभी बना क्योंकि कोई चीज़ है ही नहीं, चावल अम्मा खाती नहीं है, रोटी जो पड़ी थी वो मैंने बच्चों को दे दी क्योंकि खाना वाना खा लिया जो ना, मैंने पूरा सुखा लिया, वाइपर लगा के पोछा लगा के सारा ड्राई व्राई हो गया, पानी जो है ना आ रहा है टैंक में लगा दिया पानी है ना, तो सुमेरा मामी आई थी और उठ के भाग गई है, आ गई है, हेलो कैसा रहा आपका ट्रिप, तो बहुत अच्छा रहा, बर्फ में खेल खेल के मामी की तबीयत होगी खराब, सुबह की बीमार है, सुबह की सुस्त बीमार हुई हूं वैसे, उधर से मामू कह रहा दो दिन से तबीयत खराब है, वो करती रही जब हम बैठे हैं ना सफर के लिए, तो वो तब की खराब है, माचिस तो इधर ही थी, तो माचिस में रोटियां बनाने लगी थी, पहले रोटी बनानी है, हाँ वो रेसिपी में तो आग जलाती हूँ ना इधर दो बना के ले आई, और यहाँ मामी खाना बनाने की अपनी तैयारी करी, मसाला वसाला ग्राइंड कर रही है, और नानों को जो है चाय के साथ पापे दे दी, मैं भी चाय पीती हूँ, और दिया लिया आ गए, इनको तैयार व्यार करते हैं टिफिन के लिए, और दिया के हाल चेक, और दिया कहाँ गई थी, गई थी मौसम आ रही है लोगों के घर पे, वो नई एलडी लेकर आए हैं ना टीवी, तो वो देखने गई थी ना अम्मा, और अभी अम्मा कह रही हम लोग भी चलते हैं थोड़ी देर में ना चाय वाय पी लें, उनकी टीवी आई इतनी बड़ी उन्होंने एलडी ली, ये क्या लगा आई तो क्या मसला है बेटा, फट्टी भी थाले सूट के गया, ये फट्टी उठाओ आके, मैंने अभी अभी साफ सफाई की, सफाई वगैरह हो गई, अभी चाय वाय पीते हैं, और खाना जो है वो भी बन रहा है, उसको टाइम लगेगा, मम्मा लोगों को मैंने कॉल किया तो वो कह रहे हैं हमें थोड़ी देर लगेगी, हम लोग थोड़ी देर तक आएंगे, तो छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, और इसके अलावा मेरे लिए ढेर सारी दुआ करना, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगा और फिर ब्लॉग बनाऊँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अम्मा बोल दो अल्लाह हाफिज़।